देखो थलापति 67 की अनाउंसमेंट आज हमें फाइनली देखने मिल गई है। कल इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ था जो कि खुद में ही एक यूनिक स्टाइल में पोस्टर दिख रहा था वो। और वहीं आज बात करें इस प्रोमो की तो देखो प्रोमो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था विक्रम के प्रोमो से, क्योंकि अगर आप विक्रम का टीजर देखोगे तो उसके अंदर हमें विक्रम सर बिरयानी बनाते हुए दिखते हैं और यहाँ पे विजय सर चॉकलेट्स बनाते हुए दिखते हैं। बिरयानी के साथ साथ गन भी दिखती है और यहाँ पे हमें चॉकलेट के साथ तलवार भी दिखती है, तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। बाकी जब डिटेल्स निकल के आएंगी तो ही हमें अच्छे से पता चलेगा। और हाँ, ये मूवी विक्रम की तरह ये भी हिंदी में रिलीज होने वाली है। खैर वहीं अगर बात करूं मैं विक्रम की तो देखो विक्रम हिंदी वर्जन में तो कुछ खास नहीं चली थी, एक हिसाब से फ्लॉप ही रही थी, पर ओवरऑल तो ब्लॉकबस्टर रही थी। और वहीं मैं बात करूं इस मूवी की तो पिछली जो थलापति विजय की मूवी थी, चाहे वो मास्टर हो या फिर वारिस हो, ये उतने अच्छे लेवल पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं की, 10 करोड़ के अंदर ही सिमट गई थी। पर वहीं बात करें इस मूवी की, अगर ये एलसीयू यूनिवर्स की रही तो शायद ये मूवी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस रखती है हिंदी में, बाकी में तो ब्लॉकबस्टर होगी। तो भाई अभी तक तो ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये मूवी थलापति 67 लोकेश कनगराज के यूनिवर्स की होगी कि नहीं, पर मुझे अंदर से यही लग रहा है कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें हैं जो कि हमें सिमिलर लगती है। पहली चीज ये खुद ही प्रोमो, क्योंकि सेम स्टाइल से स्टार्ट होता है जैसे कि हमें विक्रम का देखने मिला था। और अगर मैं वो सिमिलैरिटीज हटा दूं तो यहाँ पे हमें एक ईगल दिखती है, ठीक है। अगर मैं ये भी हटा दूं तो देखो उसके अंदर हमें बिच्छू देखने मिला था, और इस मूवी का जो नाम होने वाला है वो लियो होने वाला है। तो देखो दोनों ही कनेक्टेड तो है, पर भाई ये सब तो एक तुक्का लगा सकते हैं, बाकी सब तो चीजें डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं, है ना। वही दिन बात को इसकी रिलीज डेट की, तो देखो इसकी रिलीज डेट काफी जल्दी है, मतलब यार हमें काफी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी हमें इसी साल 19 अक्टूबर को दिखने मिलने वाली है, जो कि यार देखा जाए तो काफी जल्दी मूवी रिलीज होने वाली है। अगर ये मूवी लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिट्स की रही तो भाई उस दिन सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, मतलब दाएं बाएं जो भी रिकॉर्ड है सब टूटेंगे। हाँ अगर लोकेश कनगराज की नहीं भी रही, मतलब यूनिवर्स की नहीं भी रही, तो भी ये मूवी तबाही तो मचाएगी, पर अगर निकल गई तो दुगना होगा इसका इम्पैक्ट। तो अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो देखो ये टीजर या भी प्रोमो जो भी कह लो अच्छा लगा मुझे देखकर। लुक की बात करें तो देखो थलापति का लुक हमें सेम लग रहा है जैसे बीस्ट मूवी में उनका देखना मिला था। ये साल तो थलापति विजय के जो फैंस है, भाई मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, उनकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि एक मूवी तो रिलीज ही हो चुकी है और दूसरी मूवी रिलीज होने वाली है इसी साल। मतलब इस साल थलापति विजय की दो मूवीज आएंगी, एक जो आ चुकी है वारिसु और एक आने वाली है लियो ब्लडी एंड स्वीट। तो वैसे मैं बता दूं कि वारिसु भी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। अगर मैं लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिट्स की बात करूं तो भाई उसके अंदर जो भी मूवीज आई हुई है वो भी ब्लॉकबस्टर ही है। चाहे बात करें कैथी की, विक्रम की, बस दो ही मूवी आई है, तो दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर है। विक्रम तो महा मतलब मेगा ब्लॉकबस्टर है। तो इंतजार करते हैं इस मूवी की ट्रेलर की या फिर टीजर की या कुछ और डिटेल्स की जिसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल सके कि ये मूवी कनेक्टेड है कि नहीं एलसीयू से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।